साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन दुबई से रिलेटेड बात करेंगे। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, अच्छे जॉब में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जॉब में इंडिया से वहां पे सर्च करते हैं जॉब, या सर्च करने के लिए वहां पे जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ 5 पॉइंटों के माध्यम से। आपकी हाई स्किल्ड है, अच्छे जॉब में आप जाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी में आप जाना चाहते हैं 50-60 हज़ार रुपये में, तो कई बार क्या था इंडिया में ये जॉब अवेलेबल नहीं होता, एजेंटों के पास, एजेंसीज के पास नहीं आते, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ से वीज़ा लेके वहाँ जाते हैं, वहाँ CV वगैरह फिर डायरेक्ट कंपनी मेल वगैरह करके वहाँ पे जॉब में ट्राई करने की कोशिश करते हैं या जॉब लगने की कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों उनके लिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं बता दूँ साथियों, अगर आप वहाँ दुबई जाके वहाँ पे कुछ कंपनियों में जाना चाहते हैं, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनियाँ होती हैं, जो टॉप 10 कंपनियाँ, टॉप जिसको बोल सकते हैं अच्छी कंपनियाँ, ठीक है, उनमें आप अगर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो उनको आपको खोजना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि भैया आप दुबई यहाँ से चले गए, होटल में कमरा ले लिया, आराम से बैठे हो, चल के आपके पास कोई आ जाएगा, वो तो असंभव है, समझ रहे हो भाई। वो इंडिया में नहीं आएगा तो अदर स्टेट कंट्री में आने का तो सवाल ही नहीं होता। तो आपको सर्च करना पड़ेगा दुबई में टॉप, यानी लगभग कितनी कंपनियाँ टॉप अच्छी कंपनियाँ हैं जहाँ पे अच्छे जॉब मिलते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, तो उनकी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। जी हाँ साथियों, आपको लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के आप ऑफिस में मिलना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि लिस्ट बना ली, आपके पास एड्रेस आ जाएगा, आपके पास मोबाइल नंबर आ जाएंगे, तो आपको ऑफिस में जाओ, HR से मिलो आप, ठीक है साथियों, HR से डायरेक्ट मिलो। अब कई बार क्या होता है, लोग CV लेके रिसेप्शन पे पहुंच जाते हैं, वहां पे मेरे जैसा बंदा बैठा होता है और ले लेता है CV, डाल देता है नीचे, वहां पे दिल्ली के 20-30-50 CV आ जाते हैं, पता लगे वो नीचे पड़ गई, वो ध्यान ही नहीं जाता, समझ रहे हो बात को। तो इन चीज का थोड़ा ध्यान रखें, आप रिसेप्शन के बजाय डायरेक्ट ऑफिस में जाके कॉन्टेक्ट करो, HR से मिलो, ईमेल नहीं करना। कई बार लोग ईमेल कर देते हैं, वहां दुबई गए, दुबई जाने के बाद ईमेल कर देते हैं, तो भैया कोई रिस्पांस इतना आसानी से जल्दी से नहीं आता, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, रोज 100-150 ईमेल आती है, तो कोई ध्यान ही नहीं देता, ठीक है साथियों। सिविल जॉब की बात करें, रिसेप्शन पे आपको जॉब मिल सकता है, आपको नर्सिंग लाइन की अगर आपने डिग्री ले रखी है तो उसमें आपको जॉब मिल सकता है, मैनेजर की पोस्ट पे आपको जॉब मिलता है, सुपरवाइजर की आपको जॉब मिल सकती है, अकाउंटेंट असिस्टेंट में आपको जॉब मिल सकता है, ये बहुत सारी आपको सिविल लगभग जॉब अच्छी जॉब है, जिसमें सैलरी की बात करें साथियों, लगभग 2.5 से 3 हज़ार दराम आपको सैलरी मिल जाती है दुबई में। जी हाँ साथियों, 2.5 से 3 हज़ार दराम का मतलब हो गया 50 से 60 हज़ार रुपये, प्लस आपको रहना, प्लस खाना, प्लस आपको कंपनी की तरफ से और भी जो बेस्ट सुविधाएं और इम्प्लॉयज को मिलती हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है साथियों। ये चीज़ें अगर आप जाके कुछ ढूंढोगे तो भैया मेहनत तो आपकी लगेगी, लेकिन आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छा आपको रहना सहना मिल जाएगा, अच्छी कंपनी मिल जाएगी, आपका अच्छा वीज़ा लग जाएगा, तो आप सेटल हो जाओगे, ठीक है साथियों। अब इसमें मैं दोबारा एक बात बता दूं, CV कंपनी के रिसेप्शन पे नहीं देके डायरेक्ट कंपनी के HR से मिलिए। अगर आप दुबई हैं या यहाँ से जा रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा, डायरेक्ट ऑफिस में जाओ, HR से मिलो, आपके पास जो भी अपना बायोडाटा उनको सामने रखो, अगर आप उनके लिए एलिजिबल हो तो आपके आराम से आपको जॉब ये मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जिन कंपनी को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वहाँ पे बाहर भी ये पोस्टर वगैरह लगे मिल जाते हैं, पंपलेट वगैरह, इसमें यहाँ एक मैनेजर की जरूरत है, 2 सुपरवाइजर की जरूरत है, या फिर नर्सिंग लाइन स्टाफ की जरूरत है, जो भी वैकेंसीज होती है वहाँ पे पता लग जाता है, तो आराम से सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो साथियों मैंने मेरी कोशिश करके आपको वीडियो में पूरी जानकारी दी, फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे नई जानकारी डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, जिससे आपको घर बैठे सही मोटिवेशन आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे।